Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are going to start class 12 political science cartoon based question. Now we all know that class 12 ke perspective se aapke NCERT is very important. एंड एनसीईआरटी में जो हमारे जो कार्टून होते हैं, जो डायग्राम्स बने हुए हैं, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड कार्टून बेस एंड बॉक्सेस से डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो अब कार्टून बेस ये जो सीरीज रहने वाली है, ये रहने वाली है कार्टून बेस्ड टॉपिक। क्या कार्टून जो है वो क्या डिपेक्ट करता है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या प्रेजेंट किया गया है, हम ये डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। एंड इन द अदर सीरीज एक सीरीज और क्रिएट करेंगे जिसमें हम चैप्टर के सारे बॉक्सेस पे बात करेंगे। इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करते हैं, बिकॉज मिक्स करने में कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो हम रखते हैं कि पहले कार्टून बेस हम यहाँ पे कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर एंड देन बॉक्सेस को कवर करेंगे। अब आप देख रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा डिटेल में एनसीईआरटी से, मेजर प्रॉक्स आपको पता है इस चैप्टर का, नेशन बिल्डिंग में क्या चैलेंज आ रहे थे हमारे सामने। हमारे सामने पार्टीशन का इशू आया था, हमारे सामने लैंग्वेज को लेके इशू आया था कि किस तरीके से हमें स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है, ये इशू हमारे पास था, राइट। इसके अलावा हमें स्टेट को इंटीग्रेट करने का इशू था, बिकॉज देयर आर उस समय पे देयर वर मेनी स्टेट, तो उसको इंडिया में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन की गई है। तो अब जब आप इस चैप्टर का फर्स्ट पेज देखेंगे, सो दिस इज द फर्स्ट पेज दैट यू कैन सी, इसको शॉर्ट कर देती हूं सो दैट आपको प्रॉपर विजिबल हो। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1947 में, 1947 मतलब इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे जो हिंदू एंड मुस्लिम है, देखिए 1947 से पहले आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड कर रहे थे डोनेशन कांसेप्ट की, जिसको बाद में ग्रांट किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि इंडिया एंड पाकिस्तान दो नेशन बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे उससे पहले बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स चल रहे थे। तो ये जो इमेज डिपिक्ट करती है, ये डिपिक्ट करती है कि कोलकाता में जो हिंदू एंड मुस्लिम थे 1947 में, जब कम्युनल वायलेंस थी वो एंड हो गई। इससे पहले कम्युनल वायलेंस चल रही थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, जो मुस्लिम थे दे वर डिमांडिंग पाकिस्तान, नॉट ऑल, काफी लोग इंडिया में ही रह गए थे, बट वो डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट नेशन, दैट इज पाकिस्तान। आप देख रहे हो दो लैंग दिख रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान का, और इनके चेहरे पे आपको खुशी दिख रही है। सो इट मींस ये जो वायलेंस के बाद ही वायलेंस एड हुआ, और यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया दैट इंडिया एंड पाकिस्तान दो नेशन बनेंगे, ये वायलेंस के एंड होने के बाद ही ये पिक्चर जो है ये हमारे सामने प्रेजेंट की। दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट वी हैव, उसके बाद हमारा चैप्टर है, एंड देन दिस इज द सेकंड इमेज दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये सेकंड इमेज है, सेकंड इमेज क्या डिपिक्ट कर रही है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो एक पर्सन खड़े हैं ये कौन है, ये है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो की रेड फोर्ट से क्या कर रहे हैं, रेड फोर्ट से भाषण दे रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट पे ही इंडियन नेशनल फ्लैग होस्ट करा था, और वहां से ये देख रहे हो भीड़ दिख रही है इतनी सारी, ये इस भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं। अब नेहरू जी की एक स्पीच भी थी जो उन्होंने दी थी अपने मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आप मुझे स्पीच का नाम बताएंगे। कई बार इस इमेज को देखे हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले ये लीडर कौन है, ये लीडर नेहरू जी है, ये कहाँ पे अपना जो ये भाषण है वो दे रहे हैं, रेड फोर्ट पे दे रहे हैं, इनकी जो स्पीच थी उसका क्या नाम था, ये कौन सी डेट है जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं, तो 15 अगस्त 1947 रेड फोर्ट, नेहरू जी, एंड स्पीच का नेम आई वॉन्ट की आप लोग यहाँ पे कमेंट करके मेंशन करें। आई होप अब तक पढ़ ली होगा, चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग है, बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इस न्यूज़पेपर कटिंग में सीधा सीधा ये बोला है, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ब्रिटिशर ने इतने साल हम पे राज किया वो खत्म हो गया है। ये न्यूज़पेपर आप देख रहे हो 1947 का है, राइट। और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसराय थे, लास्ट ब्रिटिश वाइसराय थे, वो 3 जून को एक प्लान लेके आए थे जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी बोला जाता है, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि बिल्कुल 15 अगस्त तक हम इंडिया को फ्री कर देंगे, 15 अगस्त 1947 तक, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान
दो नेशन बनेंगे ही बनेंगे, राइट। जिसको इंडिया के साथ जाना है वो इंडिया के साथ जाए, जिसको पाकिस्तान के साथ जाना है वो कहाँ जाए, जिसको वो अपना सेपरेट नेशन बनाना है वो सेपरेट बनाओ, जिसको कहीं नहीं जाना वो कहीं भी मत जाओ। तो यही बोला गया था कि इंडिपेंडेंस बिल को एसेंट मिल गया है। यहाँ पे आप देखेंगे किंग जॉर्ज सिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट, किंग जॉर्ज सिक्स है। और यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया कि टू डोमेनियन क्रिएट होंगे, मींस इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट होंगे। आफ्टर सो मेनी डिस्कशन, सो मेनी लाइक इस तरीके से डिबेट्स के बाद ये डिसाइड किया गया था कि यस इंडिया एंड पाकिस्तान दो नेशन क्रिएट करने ही पड़ेंगे। अब ये सब बॉक्स और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो साइड में, मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आप देखिए कितनी स्टेम्स देखने को मिल रही है। ये स्टेम्स आपसे पूछ सकता है, वैसे तो उसमें देखो डेट डेट दी गई है, ये स्टेम्स कब आई है, ये स्टेम्स रिपब्लिक डे के ओकेजन पे, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के बीच में आया था इन्फोर्समेंट पे, दैट इज 26th of January 1950। जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन ये तीन स्टेम्स डिक्लेयर की गई बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने की डेट आप लोगों को पता होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को हो गया, राइट। काफी प्रोविजन इसी दिन एक्सेप्ट कर लिया गया था और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन जो रिपब्लिक डे यानी जो इन्फोर्समेंट में आया पब्लिक आपके और मेरे बीच आया था वो January 1950 में आया। पहले आप पूछ सकते हैं ये तीन स्टैम्प क्या डिपिक्ट कर रही है। पहली स्टैम्प पे आपको देखने को मिल रहा है चरखा, चरखा बात कर कैपेबल हो जाए कि हमें दूसरों पे चीजों के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हम खुद चीजों को प्रोड्यूस कर पाए जिसकी हमें जरूरत है, तो हम एक तरीके से आत्मनिर्भर बन पाए, ये एक चीज है। दूसरे में आप देखिए आपको कुछ खेती टाइप गेहूं दिख रहा है, फसल दिख रही है, तो फसल की बात है कि हम अपनी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे इम्प्रूव करें, हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज, बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी लोगों तक प्रॉपर खाना बेसिक रिसोर्स पहुंचेंगे। थर्ड में आप देखिए यहाँ पे कुछ स्पीकर दिख रहे हैं आपको, फ्लैग दिख रहे हैं, ये डिक्लेयर कर रहा है डेमोक्रेसी। आफ्टर इतने साल की एक तरीके से कॉलोनियल रूल के बाद हमें एक आजादी मिली है, हमें उसे मेंटेन करके रखना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तरीके से आप देख रहे हो कि हम बोल पा रहे हैं चीजों को, आपका एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फ्लैग है, ये बात कर रहा है डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की, राइट। ये बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम की, थर्ड स्टेम ये बात कर रहे हैं। पूछ सकता है कि ये स्टेम्स क्या क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, स्टेम्स में को भी प्रेजेंट किया गया है क्या डिपिक्ट करते हैं। चलिए अब दिस इज द अगेन अ न्यूज़पेपर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेन यहाँ पे ये बॉक्स था, सॉरी, इस न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो बॉक्स है, वो हम बॉक्स कवर करेंगे तब देखेंगे, राइट। फैज अहमद सैफ हम बॉक्स देखेंगे तब हम उसको कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं फॉर अ वाइल कहां तक हम पहुंच गए थे, वो बॉक्स हमें अभी छोड़ा है। बाद जो नेक्स्ट डायग्राम दैट वी हैव इज ओके दिस इज ऑल्सो अ बॉक्स, दिस इज द डायग्राम, यहाँ पे भी एक डायग्राम है हमारे, राइट। सो ये बॉक्स है, उसके बाद हमारे पास जो डायग्राम है वो दिस इज द बॉक्स जो मैंने बोला लेटर ऑन हम कवर करेंगे, अमृता प्रीतम फैज अहमद फैज की जो पोएट्रीज हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो आप देखेंगे हमारे पास है, दिस इज ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रेन है, तो यहाँ पे नीचे मेंशन भी देखिए, अ ट्रेन फुल ऑफ रिफ्यूजीज इन 1947, दिस इज द सीन ऑफ पार्टीशन। आपसे पूछेगा अगर ये क्या शो कर रहा है पार्टीशन, पीपल आर मूविंग फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान हियर एंड देयर, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान से लोग इधर एंड उधर मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये सीन पार्टीशन का है। अब आपसे ये डायग्राम देख के पूछ सकता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, राइट। आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो पार्टीशन डिटेल में चैप्टर में, बट यहाँ पे क्या है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पूछा जा सकता है, तो ये आप माइंड में रखना है कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। सबने सफर करा था, बहुत ज्यादा लूट थे, रेप हुए हैं, वुमेन लाइक इल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस में मेंशन
कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आपसे पूछा था यार रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेन है, ट्रेन रिफ्यूजी से भरी हुई है, जो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए डिपेंड करता है। पार्टीशन को लेके कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछ सकता है। पार्टीशन आपने पढ़ा है ऊपर, यहाँ पे पार्टीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये है महात्मा गांधी जी, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि गांधी जी कहाँ पे है। गांधी जी है नोआखली। नोआखली का देखिए मतलब क्या होता है। नोआ मतलब होता है न्यू, बंगाली टर्म है, एक बंगाली टर्म है। आप देख भी रहे हो कि आज की डेट में ये बांग्लादेश में है। नोआ का मतलब होता है न्यू, एंड खाली मतलब कैनल है, न्यू कैनल। ये प्लेस है, हालांकि हमें इसको इतना डिपेंड नहीं करना है, ये प्लेस है जो आज की डेट में बांग्लादेश में है। और जो पहले बांग्लादेश था वो आजादी के बाद क्या बना था, ईस्ट पाकिस्तान बना था। बाद में वो 1971 में बांग्लादेश बना है। यहाँ पे 1946 में आपको याद होगा मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, उसमें उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे भी डिक्लेयर किया था, एंड बहुत मासिव किलिंग हुई थी, बहुत ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिल रहा था। तो इंडिया की भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि हिंदू महासभा, ये सब तो मांग रही थी मिलिट्री प्रोटेक्शन चाहिए भाई, क्योंकि लोगों को मारा जा रहा है इस सब चीजों के चक्कर में। बट गांधी जी वेंट, गांधी जी खुद से ही निकले, एंड गांधी जी अगेन, हमें पता है गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है, नॉन वायलेंस। गांधी जी खुद निकले उस प्लेस पे, गए जहाँ वायलेंस हो रहा था, और वहाँ विलेज विलेज जा जाके लोगों से ट्राई टू टॉक की लोगों से बात करके उसको समझाया जा सके। और बिल्कुल गांधी जी उस समय एक इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, वो लोग सुनते थे इनकी बातों को। ही वाज ट्राइंग, मतलब वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे कि मैं बैठ के मिलिट्री एक्शन लेने की बजाय मैं खुद वहाँ उस प्लेस पे जाऊँ और वहाँ लोगों से बात करूँ प्रॉपर इस चीज के रिगार्डिंग। तो मैंने आपको इमेज के पीछे की पूरी स्टोरी सब बता दी है। अब कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप आप इसको आंसर कर पाओगे। जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर देखने को मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं महात्मा गांधी, और ये कहाँ पे है, ये है नोआखली, जो आज की डेट में बांग्लादेश में है, उस समय पाकिस्तान में था। व्हाट वाज द रीजन और पर्पस ऑफ हिज विजिट, क्यों वहां पे गए थे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल रीजन वाज ये गए थे बिकॉज वहां पे जो वायलेंस था उसको एंड करने, पीस एस्टैब्लिश करने। अराउंड 7 वीक कुछ तक ये वहां रुके थे। 116 माइल्स इन्होंने पैदल चल के एरिया कवर करा था, और 47 विलेजेस में इन्होंने जाके लोगों से बात की व्हेन दैट वायलेंस। ही कंसीडर्ड दैट जो डिवीजन होगा वो पार्टीशन ऑफ हर्ट माना जाएगा, दिलों का बंटवारा एक तरीके से आप करने की बात कर रहे हो। तो ये सब चीज स्टोरी बिहाइंड दैट पिक्चर की। अब ये बॉक्स है जिसको हम बॉक्स वाले पार्ट में कवर करेंगे। अभी वी आर ओनली सीइंग द कार्टून पार्ट, राइट। चलिए वी आर ओनली सीइंग द कार्टून पार्ट। गांधी जी गए कब थे, अगर ये भी पूछा जाए उस इमेज को लेके, तो ध्यान रखिएगा 6 नवंबर 1946, ईयर इज 1946। चलिए अब यहाँ पे एक मैप बनाया गया है, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। आपकी बुक में आप एक बार देख लेंगे इस मैप को थोड़ा ध्यान से, कि बिफोर पार्टीशन इंडिया की क्या सिचुएशन थी। वो जो एरिया है वो ये रही, जो ब्रिटिश इंडिया में जा रहे थे, जो ब्लू से डिपिक्ट किया है वो कुछ प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट होते थे जिन पे ब्रिटिशर ने डायरेक्ट कंट्रोल, खुद शासन नहीं करा था। राजाओं को बोल दिया था कि ठीक है अपनी गद्दी पे बैठे रहो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, बट हमें एक फिक्स अमाउंट, मतलब हमें एक तरीके से बदले में एक रेम्यूनरेशन आप देते रहो, कि हम आप पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम आपको उठा के राजगद्दी से नहीं फेंक रहे हैं, तो बैठे रहो, राज करो, जो मर्जी करना है आप शांति से करो, बट हमें एक अमाउंट आप दोगे ईयरली बेसिस पे। तो ये वो प्रिंसली स्टेट। आप सोचोगे ना कि क्यों राजाओं, ब्रिटिशर ने एक प्रिंसली स्टेट को छोड़ दिया, छोड़ इसलिए दिया था कि एक पैसे, मतलब इनसे फिक्स अमाउंट ले रहे थे कि ठीक है मैनेज आपको एक अमाउंट हमें देते हो। ईस्ट पाकिस्तान आप देख लो, जो लेटर ऑन आज की डेट में बांग्लादेश हमें देखने को मिलता है, राइट। चलिए नीचे एक मैप और आएगा, अभी वहां पे कुछ क्वेश्चन भी है वो हम देख के चलेंगे साथ में। दिस इज वन मोर डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पर्सन, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमें दिख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये है यहाँ पे हैदराबाद के निजाम के साथ। हैदराबाद के लीडर को निजाम कहते हैं, तो ये है यहाँ पे हैदराबाद के निजाम के साथ। और हैदराबाद के जो निजाम है उनका नाम है मीर उस्मान अली खान। हालांकि बुक में नहीं लिखा है, पर मैं बता देती हूँ, उस समय जो निजाम थे, जो पार्टीशन हुआ,
ड्यूरिंग द टाइम 1947 बिकॉज हैदराबाद ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं सेपरेट स्टेट क्रिएट करूंगा और बाद में इसकी पाकिस्तान से बात चल रही थी तो हमने यानी हमारी कंट्री ने हमारी गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया था हैदराबाद में और मिलिट्री के थ्रू हैदराबाद को इंडिया में एनेक्स करा था। उस मिलिट्री ऑपरेशन की बात की जाए तो वो था ऑपरेशन पोलो। नेम ऑफ दैट मिलिट्री ऑपरेशन इज ऑपरेशन पोलो। अगर पूछा जाए ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन पोलो इज अ मिलिट्री एक्शन दैट वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनेक्स हैदराबाद। हैदराबाद को एनेक्स करने के लिए जो ऑपरेशन कंडक्ट किया था, नाम क्या है इनका, मीर उस्मान अली खान। ये कौन है आपके पहले होम मिनिस्टर, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे आते हैं, दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे एक लीडर दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, देखिए लिखा भी हुआ है पटेल, सरदार पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर, अगेन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन है, ये एक राजा टाइप देखने को मिल रहे हैं। एक स्ट्रेंज बात देखो, ये एक इंसान के ऊपर बैठे हैं, गद्दी नहीं है, ये एक पर्सन है। और ये पर्सन कौन है, ये पर्सन है स्टेट पीपल। इस जगह पे ये राज कर रहे हैं वहां के लोग, मतलब इन्होंने लोगों को राजाओं ने अपने जूते की नोक पे रखा है, ये राजा लोग इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। द किंग द रूलर्स आर एक्सप्लॉइटिंग द कॉमन मैन ऑफ देयर एरिया। ये एक प्रिंसली स्टेट है, वहां पे एक राजा रूल कर रहे हैं, इन्होंने अपनी प्रजा को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ है। आप देख रहे हो उनके हाथ बिल्कुल ऊपर चढ़ के ये बैठे हुए हैं और इनके हाथ में अपने अपने स्टेट की अपनी जो एरिया है उसके सारे इम्पोर्टेंट मैटर है, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब ये राजा निकले हैं। अब जब इंटीग्रेशन की बात चल रही है तो सरदार पटेल आए और कह रहे हैं कि देखिए आप उठिए मत, प्लीज डू गेट अप योर हाइनेस, मुझे इससे मतलब नहीं आप खड़े हो रहे हैं, बस जो ये आपके हाथ में पावर्स है ना ये मुझे दे दीजिए, जस्ट गिव मी दिस, ठीक है, उतना अभी मेरे लिए काफी है। तो अगर पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल आस्किंग को, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, ही वाज आस्किंग फॉर द पावर टू कंट्रोल एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। बिकॉज अगर ये हम राजाओं को देख के रखते तो हमारे लिए कंट्री को मैनेज करना और इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को एस्टैब्लिश करना मुश्किल होगा। ये कुछ ऐसी पावर है सेंटर के पास होनी चाहिए, पटेल जी ये पावर राजाओं से मांग रहे हैं। ओके, तो होप ये क्लियर हो रहा है, एक राजा है, एक्सप्लॉइट, ही इज एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, अपने एरिया के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड ही वाज आस्किंग नॉट फॉर ऑल द पावर्स इन द लग्जरी दैट द रूलर हैव, बट ये सिर्फ कुछ पावर मांग रहे हैं जो सेंटर कंट्रोल करेगा, तो हम राजाओं को या स्टेट्स को देना नहीं चाहते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में वो चीज क्लियर करूं। देखिए अब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राइट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या उसके बाद कुछ स्टेट और कुछ यूटी क्रिएट की। ये मैप आप देख सकते हो, एक बार ध्यान से थोड़ा सा सारे मैप के सारे स्टेट को आप देखेंगे। अब यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम देखेंगे ध्यान से। नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट वर carved out, मतलब कि ये जो स्टेट है ये किस किस स्टेट से एक तरीके से निकले थे। अगर हम बात करें तो गुजरात की बात की जाए ना तो गुजरात पहले पार्ट था, मैं यहाँ पे सारे मेंशन कर रही हूँ, गुजरात पहले पार्ट था बॉम्बे का, चाहो तो अपने पास इसको प्लीज लिख लीजिए, गुजरात पहले पार्ट था बॉम्बे का और गुजरात जो है वो स्टेट बना है May 1st 1960 को। गुजरात इनिशियली बॉम्बे का पार्ट था, बॉम्बे से अलग होकर गुजरात बना, कब बना 1960 में। देन आपके पास है हरियाणा, आप सबको पता होगा हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट था, राइट, ये नवंबर 1st November 1966 को स्टेट बना, भी हरियाणा दिवस निकल के भी गया, राइट, हरियाणा वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब। उसके बाद थर्ड हमारे पास है मेघालय, मेघालय जो है वो असम का पार्ट हुआ करता था और ये जो स्टेट बना है मेघालय, डेट भी बता रही हूँ एग्जैक्टली, इसको लिख लीजिए 21 जनवरी 1972। देन वी हैव छत्तीसगढ़, ये भी आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है और कब बना है ये 1st November 2000 को ये प्रॉपर स्टेट बना है। तो गुजरात मुंबई से सेपरेट हुआ, डेट बता दी, हरियाणा पंजाब डेट कहाँ पे है, मेघालय असम, दिस इज द डेट, एंड आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड डे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, नेम टू स्टेट दैट वर इफेक्टेड बाय द पार्टीशन।
पार्टीशन से इम्पैक्ट हुए थे मेजरली दो स्टेट, पंजाब एंड बंगाल। बंगाल आपको पता है ईस्ट बंगाल वाला इशू चल रहा था, बाद में ईस्ट पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश बना, तो इशू था ही। प्लस पंजाब में भी, बिकॉज पंजाब का बहुत सारा एरिया पंजाब का पार्ट था, इट वेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में चला गया। तो वहां के लोग, वहां के जितनी भी पॉपुलेशन, मुस्लिम से पॉपुलेशन थी, वो सब प्रॉब्लम फेस वहां पे कर रहे हैं। मतलब ऐसे स्टेट के नाम बताओ जो आज स्टेट है, पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। तो ये है एक स्टेट गोवा, ठीक है, 1987 में स्टेट बना, उससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश लिख लो आप ये सारी चीजें कहीं, हिमाचल प्रदेश भी 1971 में स्टेट बना, उसके पहले ये यूटी हुआ करता था। देन मणिपुर को भी इनिशियली यूटी बनाया गया था, बट आज की डेट में ये स्टेट है और ये स्टेट बना था 1972 में। क्लियर, ये चीज कुछ आप याद रख सकते हो। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ये पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में ये स्टेट। चलिए अगले डायग्राम पे आते हैं। एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर के डायग्राम से एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। ये आप देख रहे हो कि ये पिक्चर जो है क्या बात कर रही है, या बीच में फंसे हुए हैं नेहरू जी, ये हैं आपके पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, और ये बात कर रही है, ये स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल की बात है। देखिये यहाँ पे आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब देखने को मिल रहे हैं, और ये सब डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेपरेट स्टेट क्रिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। इशू आया था चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा कि आंध्रा में जो स्ट्राइक हुआ था, सॉरी, पोटि श्रीरामल्लू ने फास्ट एंड डेथ किया था एंड उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद हमें एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट करना पड़ा था, और उसी के बाद हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए। यही चीज है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो घिरे हुए हैं इस स्टेट क्रिएशन के इशू को लेके, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल को लेके, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग, ये जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं, लीडर्स हैं, दे आर डिमांडिंग कि आप स्टेट क्रिएट करो लिंग्विस्टिक बेसिस। बट प्रैक्टिकली जो स्टडी थी, जो लोगों की इन्होंने टीम बनाई है बार बार स्टडी करने की, वो ये कह रही थी कि हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज लैंग्वेज को लेकर तो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो फास्ट एंड टू डेथ वगैरह भी ये डायग्राम लेके पूछ सकता है किसने करा था, पोटि श्रीरामल्लू ने करा था, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया, 1956 में आया, कमीशन कब बनाई गई थी, 52 में बनाई गई थी, 1952 में बनाई गई थी। पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया, आंध्र प्रदेश ने क्रिएट किया था, राइट। तो ये सब क्वेश्चन उसी डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं, होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या डायग्राम है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग डायग्राम। चलिए, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन देखने को मिल रही है, ये क्या लिखी है, कोक्सिंग द जिनी बैग, राइट। ये क्या बोल रहा है, कोक्सिंग द जिनी बैग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, क्या इस लिंग्विज्म का जो जिनी है, इस जिनी को किससे रिलेट करा उन्होंने, लिंग्विज्म से, लिंग्विज्म के बेसिस पे लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि हमें लिंग्विज्म के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करने हैं। तो ये जो एक लिंग्विज्म वाला जिनी बाहर निकल चुका है, क्या आप इसे अंदर कर सकते हो वापस, राइट। अब ये कोक्सिंग मतलब होता है कि एक तरीके से प्यार से किसी को फुसलाते हैं ना बातों में, उसको प्यार से फुसला के क्या आप इसमें वापस बंद कर सकते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के उसमें, बिकॉज ये बाहर निकल के इतना बड़ा हो गया है कि एवरीवन इज डिमांडिंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विज्म, लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करो, राइट। तो यहाँ पे बात की जा रही है, ये जो लीडर्स हैं, ये वांट कि इस जिनी को वापस इसमें बंद कर दिया जाए, राइट, इस जिनी को वापस बंद कर दिया जाए ताकि इशू ना रहे, राइट। यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। अच्छा, नेहरू जी ने बुक में नहीं है, बट नेहरू जी ने लिंग्विस्टिक बेसिस के लिए ना एक कमेटी भी बनाई थी, नेहरू जी ने ये चेक करने के लिए कि स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे होने चाहिए या नहीं, एक कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम है जेवीपी कमेटी भी थी। जे यहाँ पे है हमारे पास, ई स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी इज प्रतापी सीतारामैया, राइट। नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, प्रतापी सीतारामैया, ये पार्ट थे इस कमेटी का, स्टडी एंड चेक ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस की डिमांड आ रही है, क्या हम इस बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, राइट। ये यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन इसमें अगेन
अगेंस्ट नहीं, इट इज नॉट करेक्ट टू क्रिएट द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विज्म. ये चीज वहां पे चल रही है. आईबीपी का डायग्राम आपको समझाया होगा. जेबीपी आई थिंक आपके हमारे चैप्टर में जेबीपी को डिस्कस नहीं किया गया है डिटेल में, बट पता होना चाहिए. इतना मुश्किल यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ. चैप्टर के रिलेटेड डायग्राम एंड हुए. अब इसमें जो बॉक्सेस हैं ये हम सेपरेट वीडियो में जो मैं बॉक्सेस प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगी उसको कवर करूंगी. इसमें हम लोगों ने सिर्फ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कवर करे हैं. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपके स्कूल के जो आप एग्जाम दे रहे हो उसको कोई भी कार्टून को लेके ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको समझ नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, या फिर आप अपनी सैंपल पेपर सॉल्व करते हो उसमें कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं विद रिगार्ड टू द डायग्राम और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप वो सब इस वीडियो पे कमेंट करके क्लियर कर सकते हो. You have all the options. आप यहाँ पे कमेंट करके क्लियर करो. आई विल ट्राई कि मैं एक डाउट लाइव सेशन लू. दैट डिपेंड कि कितने बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, कितने बच्चों को मेरे आ रहा है. तो या तो उसका डाउट सेशन ले लिया जाएगा, लाइव रखे एक दो चैप्टर का कम आए, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपका जो डाउट है वो एड्रेस करके फिर चैप्टर से स्टार्ट करूँ. दिस इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमने कवर करा. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर टू के साथ. कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, दैट यू कैन आस्क इट इन कमेंट बॉक्स. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.